अभी हमें निकलना चाहिए, मैं सारी बात आपको बाद में बताऊंगी। मिसेस नोहारा, हमें भी बाहर निकालिए ना, हमें ऐसे छोड़ के मत जाइए। हमें भी ले चलिए प्लीज, हमें भी ले चलिए अपने साथ। सॉस किसके पास है ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। बेकार की बातें बंद करो और सबसे पहले खाने के बारे में सोचो। ये क्या था? अब तुम बच के कहाँ जाओगे? मैं नहीं छोड़ूंगा। वो सॉस चुपचाप मुझे दे दो। अंकल वो सॉस हमारे पास नहीं है, हमने उसे यहाँ इस नदी में बहा दिया। क्या? चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी। रुक जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे बताओ तुम्हारे बैग्स में क्या है? वो दरअसल इसमें हमारे कपड़े और सामान है। अगर हमारे पास इसमें कुछ खाने को होता तो वो हम ही खा लेते, आपको बिल्कुल भी नहीं देते। मुझे लगता है तुम सच कह रहे हो, तुम लोग जा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। आपको भी अंकल। तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। तुम लोग इससे झूठ बोल सकते हो पर मुझसे नहीं बच्चों। क्या कहा तुम लोगों ने? मुझसे झूठ कहा? हाँ इन्होंने तुमसे झूठ कहा। सॉस इन्हीं के पास है और मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। हम नहीं देंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। ठीक है हम चलते हैं। जाने कितनी जल्दी भी क्या है बच्चों। और तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो क्योंकि बॉस के पास सॉस मैं ही लेकर जाऊंगा। देखते हैं कौन ले जाता है सॉस। बताओ कि मिस्टर केन का ढाबा इन लोगों के पीछे है ना? हाँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम देखना मैं ये मुकाबला चुटकियों में जीत जाऊंगा। देखना मेरे आगे कोई भी नहीं टिकेगा, सबको हरा दूंगा मैं। देखना किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम तो बहुत बहादुर हो। वो तो मैं हूँ ही। ये लड़ाई मिस्टर केन के अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। हम सभी को ढाबे का खाना खाना बहुत पसंद है तो हम सबको मिलकर ढाबे के खाने को बचाना होगा। आप सब मेरे साथ हैं? बोलिए। शिनचैन को ढूंढने के लिए जाता हूँ, तुम यहीं पर रुकना मिक्सी। रुकिए मैं भी आ रही हूँ। शिनचैन बेटा